रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में शुक्रवार को कोतवाली सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स के प्रशिक्षण के दूसरे दिन सीओ कोतवाली वीपी सिंह और तिवारीपुर थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने प्रशिक्षकों की भूमिका निभाई। इस दौरान शेरनी दस्ते में शामिल महिला सिपाहियों को बीट पुलिसिंग, रात्रि गश्त, बैरियर चेकिंग सहित किन किन स्थानों पर कब पुलिसिंग ड्यूटी लगानी चाहिए जिससे अपराध होने से पहले उसे रोका जा सके और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके, इस संबंध में उन्हें विशेष जानकारी दी गई। साथ ही मौके पर पहुंचने के बाद वहां हुए अपराध में कौन कौन सी सुसंगत धाराएं बनती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उनका अनुपालन कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ वीपी सिंह ने कहा, गंभीर कोई भविष्य में उपद्रव या अनहोनी हो सकती है इसके संबंध में आपके परिवार में दो समुदाय में दो समूहों में या जातिगत संघर्ष के गाँव में होते हैं, जैसे किसी गांव में दो जातियों में मार कर सकते हैं या किसी महिला का किसी पुरुष से अवैध संबंध आराम वहाँ आपको
आपको लगनी है, तो ये प्रभावी व्यक्ति के तरीके होते हैं। हमारी इस समय जरूरत कहाँ है पोस्ट का जो लाइन है, तो पुलिस का जो बेसिक प्रो स्ट्रक्चर हो गया कि अपराध होने से रोका जाए, तो गश्त पार्टी का मुख्य काम है कि व्यवस्था अपराध को प्रति न हो। यदि किसी महिला के साथ अपराध होगा होने के बाद तो अपराधी पकड़ा जाएगा, या वो नाम नहीं जानती, हम लोग नाम पता लगाते हैं, उनको पकड़ते हैं, जेल भेजते हैं, सारी कार्रवाई करते हैं, तो अपराध होने के बाद की प्रक्रिया होगी। लेकिन अपराध होने के पहले हमें प्रभावी गश्त करनी है। जो विजिबल 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 मतलब दिखे, चौराहे पे किसी कोने में लगा है, पता लगा कि ओवर ब्रिज के मंदिर के नीचे खड़े हो गए डांस को आपको देखने का, क्या मतलब? तो चौराहे पे जब आप विजिबल होंगी नहीं छुट्टी खड़ा करेंगे, फिर दो लोग खड़ी होंगी, एक पे पिस्टल दीवार पर लगा है, एक अपने हाथ में हैंडसेट किए है, तो कितना सामान में पहुंच जाएगा। और एक पुलिस कर्मी जो पुरुष है उससे महिला के प्रति लोगों में ज्यादा भय होता है, चाहे इतना बड़ा वो बदमाश हो, महिला पुलिस कर्मी से डरता ही डरता है। उसका कारण पुरुष पुलिस कर्मी अगर एक चाहता है किसी को कोई बदमाशी कर रहा है, किसी का गालन पकड़ के थाने ले जा रहा है, तो वो चला जाता है। लेकिन महिला किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के तुझे ले जाकर इज्जत बंद कर दूँ, तो वो सोचेगा कि मेरी इज्जत आज से नहीं मिली, हमें तो महिला ने पकड़ के बंद। तो हर व्यक्ति अमूमन महिला पुलिस कर्मी से ज्यादा घबराता है। पहले जानना है कि महिलाओं के प्रति इतने अपराध हमारे बीच में होते हैं। के लिए भर्ती हो तो समझ लो कि कुछ नहीं, फिर तुमने एक पुलिस अधिकारी होने का कोई मतलब नहीं, एक सीमित है। ये जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को अब मौके पर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना आप गिरफ्तारी कर सकते, आपको भी पावर है, आप कोई सब इंस्पेक्टर ही अकेले नहीं, आपको भी पावर आप गिरफ्तार, ठीक है, आपको शंका नहीं है। अब तीन चीजें हैं, अब जैसे 107-16 आपको सुनी होगी ना, भाई गांव में भी किसी के अगर भाई बंधु के खिलाफ 107-16 हो जाता है, तैयार 107-16 पुलिस चला दिया। 107 क्या है और 116 क्या है इसको जानती है, कोई जानता है 107 के बारे में? कोई बता सकता है बताओ, बिना हिचक बताओ, थोड़ा सा एक तुम बताओ, फिर एक अकड़ा बताएगा तो वो तटस्थ हो जाएगा। हम बताएंगे तो एक काम से सुनो, एक काम से निकाल, लेकिन जब एक बताएगा समझ आएगा कि यार हमें क्यों नहीं मालूम, अंदर से एक भाव आएगा, हमें भी उसको पलट के देखना चाहिए। तो देवी का एक नियम बना हो कि जिसे कोई जुर्म हो गया तो उसकी धारा का आपको ज्ञान नहीं है कि किस धारा का अपराध हुआ, किस क्षेत्र में आएगा, तो जाओ CRPC एविडेंस है और आपके जो तमाम माइनर एक्ट उनकी किताबें मिली होंगी ना, आपको मिली है तो वहाँ पलट करके उसको देखो ये किस धारा के अंतर्गत क्या अच्छा विषय है, तो जान रहा है क्यों नहीं जान, तो बहुत छोटी सी चीज है। एक तो ये है कि भाई अंदर सारा को लाइसेंस के नाम से लेता है, लेकिन उसकी भी एक मात्रा कि कितना कौन ले सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस शेरनी दस्ता का एक गठन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षा सुरक्षा और अपराधियों पर नियंत्रण करने को लेकर के हैं। इसी क्रम में इनको इनके अधिकार हमारी जो शेरनी दस्ता की महिलाएं हैं उनको उनके कर्तव्य उनके अधिकार को बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये जब फील्ड में जाएं तो कानूनी तौर पर जानकारी हो और मजबूती के साथ ये अपना पक्ष रख सकें और अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखने में थाने का और सहयोग करें, ये उद्देश्य है।